हरमनप्रीत वो सब अपने जर्मनी खिलाफ कौन आगा पता है क्या जर्मनप्रीत हेलो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यहाँ काफी शानदार न्यूज और एक आई थी रात को कि नीरज चोपड़ा जो है हमारे वो जीत चुके हैं ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल। तो हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा को। और गाइस मेरा तहे दिल से एक ही मैसेज है कि ये जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, फिर मनु भाकर हो गई, फिर हमारी इंडियन हॉकी टीम और जो जो भी लोग जो अभी तक ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए मेडल जीते, ये हमारा फॉलो डिजर्व करते, ये हमारा सपोर्ट डिजर्व करते। और साला ये नल्लों को क्रिकेटरों को केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जो देश के लिए कुछ नहीं करते, करो सालों को अनफॉलो। और इसी तरह वीडियो कंटिन्यू रहेगा गाइस। रच गया है इतिहास, चूत गया है स्पेन, खुद गई है कमरे और तलवारों के साथ क्या हुआ ये आपको पता ही होगा। अभी अभी ओलंपिक से खबर आ रही है कि भारत ने दफना दिया है स्पेन को और जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। श्रीजेश को एकदम पूरा सलूट है, आखिरी मिनट तक अपनी आखिरी सांस तक उसने भारत को गेम में बनाए रखा। मजा आ गया भाई, क्रिकेट को छूटने नहीं दूंगा सालों तुमको, हॉकी वालों के पीछे तुमको भी लूंगा पकड़ पकड़ के, पर पहले तुम हॉकी की तारीफ करो। इंडिया का हॉकी में 13वां मेडल, 8 गोल्ड मेडल के बाद एक दो कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल आते हुए इंडिया के कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, जैसे उन्होंने सेमीफाइनल अपने तरफ से मतलब बहुत 100% परफॉर्म किया, पर तभी वो थोड़े एरर्स के कारण, अपने खुद के एरर्स के कारण नहीं जीत पाए। जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, पर फिर भी बेटर लक, मतलब जो दिन का लक होता है वो दिन हमने साथ नहीं दिया, जैसे कि 19 नवंबर, क्योंकि वो एक ना एक बार आता ही है हमारे वीडियो में। रात का लक तो भारत के साथ नहीं था, नहीं वो दोनों पूरे दिन का ही लक नहीं था अपने पास। तो बात करते हैं अभी डायरेक्ट ब्रॉन्ज मेडल मैच की। अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच देखा और इंडिया हैज अ परफेक्ट विक्ट्री ऑफ 2-1 स्पेन को डायरेक्ट। आखिरी सेकंड तक वो मैच टच टू टच गया है, पर फिर भी इंडियन हॉकी डिजर्व मेडल और स्पेशली श्रीजेश डिजर्व मेडल, क्योंकि श्रीजेश ने जितना कॉन्ट्रोवर्सी किया था वो तो बहुत हद से पार था। लिटा दिया मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, उसके बाद पीआर श्रीजेश, ये नाम इंडियन हॉकी में सबसे बढ़कर रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। तो लेट्स कम बैक टू द मेन, क्या रहता अपना वो क्रिकेट। अच्छा भाई, पर वो ओलंपिक से कारण मैं तो भूल ही गया, ओलंपिक्स के आड़ में छुपने नहीं दूंगा इनको, किसी को नहीं छुपने देना है, सब बैटिंग वालों को करके लेंगे। तो भैया जैसे आपने हमारे पहले दो एनालिसिस देखे थे, पहले दो वनडे के, उसमें भाई भारत का काफी शर्मनाक परफॉर्मेंस था। हमें लगा भाई दो मैच में इन्होंने गड्ढा कर दिया, तीसरे मैच में परफॉर्म करेंगे, पर सालों ने तीसरे मैच में ऐसा सुलाया कि क्या बताऊं कैसा सुलाया। 110 रनों से कब्रें खोद दी अपने। सबसे पहले आते हैं भारत की गेंदबाजी पे, साधारण गेंदबाजी इससे ठीक है इतनी भी साधारण नहीं थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीलंका की बल्लेबाजी पर से। श्रीलंका भाई जय सूर्या को सबसे पहले बड़ा वाला सलूट देना चाहेंगे हम। अविष्का फर्नांडो रन की इनिंग, द गेम चेंजिंग इनिंग, टेस्ट का प्लेयर उठा के लेके आया जिसने लिटा दिया भारतीय गेंदबाजों को, काफी शानदार बल्लेबाजी की। ये टीम जिससे हारी है वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई भी नहीं हुई है, बताओ। और इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम श्रीलंका की बी टीम से हारी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम होने के बाद में भी एक श्रीलंका की बी टीम जिसको श्रीलंका के बाहर कोई पूछता भी नहीं, अबे बाहर के अंदर भी कोई पूछता नहीं उसको, उसके सामने तुमने जो बकवास क्रिकेट का ये जो तुमने क्या किया है मैं बता नहीं सकता भाई, जो तुमने खुद को लिटाया है वहां पे उनके सामने, मतलब अगर तुम देखो तुम सालो अगर कोहली के 20 रन और रोहित शर्मा के 35 रन ये फ्रेम में से निकाल दो तो सालो 100 रन की टांगे नहीं थी तुम्हारी, 100 रन बनाने की औकात नहीं है। श्रीलंका जैसी बी टीम वेंडेसी फैंडेसी के सामने साले तुम खुद सुल गए, ऐसे सुल गए भाई, मुझे मत खेलने दो साले, क्या खेला रे भाई श्रेयस अय्यर, भाई गौतम गंभीर का कोलकाता नाइट राइडर्स का कोटा, और भाई रियान पराग जो बोलता था मैं देखता नहीं मैं सिर्फ खेलता हूँ, साले वो अकाय कोहली को भी बल्ला पकड़ा देंगे तो तेरे से सीधा बल्ला आएगा, तू वहां पे स्टंप वाली गेंदों को ऐसे ऐसे छोड़ रहा है, यह है साले तेरा घंटे का एग्रेशन, निकल साले टीम के बाहर, घर पे जा और देख तस्वीरें, अनन्या पांडे और वो कौन थी वो दूसरी आज किसी को नहीं छोड़ूंगा सालो,
सबको पकड़ पकड़ के लेने वाले। अरे भाई लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये बाजू वाला क्यों शांत है, गुस्सा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत मैंने अच्छा काम किया उस दिन कि मैंने इंडिया का हॉकी का मैच देखा क्रिकेट के बजाय, तो इसलिए मैं इतना शांत हूँ। और इसने गलती से क्रिकेट का मैच देख लिया हॉकी के बजाय, तो मैं ओलंपिक्स देखता रह गया पर ये क्रिकेट पे स्टिक रहा। मैंने तो दूसरे ओडीआई के बाद थर्ड ओडीआई के हाईलाइट्स ही देखी, पूरा एनालिसिस तो कर नहीं पा रहा, पर फिर भी जो ओलंपिक्स के लिए मैंने स्पेशल कोटा टाइम ना मिलने का और पूरा क्रिकेट मैच देख, पर घर पहुंचते ही सोचा कि मैच देख लूं, तब स्कोर था इंडिया का 128/8। इससे अच्छा मैंने एक बॉल भी नहीं देखा, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ऊपर से ये जो मैच देख के इसकी हालत तो पता ही है, अपन क्या कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के पीछे तुमको ओलंपिक्स के मेडल के पे और ओलंपिक्स के मेडल के दम पे वो हॉकी की टीम जिसको साला देश में कोई पूछता नहीं वो साले बाहर जाके हरा के ओलंपिक्स और विनेश की उतर उतर के कारण बी टीम के सामने तुम जो खुद को लिटा के आए हो क्या? ये कुछ नहीं भाई, क्लियर कट एनालिसिस है। श्रीलंका वॉज वेरी गुड इन ऑल द डिपार्टमेंट, फील्डिंग बॉलिंग और बैटिंग तीनों में उन्होंने अच्छा ट्राई सीरीज, मतलब तीनों ओडीआई मैचेस में ट्राई ओडीआई मैचेस में सबसे अच्छी क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है। बेसिकली जो बेसिक स्टिक टू स्टिक है, जो कोलंबो में स्पिन विकेट है, जो उन्होंने सीधा स्टंप टू स्टंप बॉल रखे है, ना ऊपर ना नीचे ना ज्यादा वेरिएशंस करने के, सीधा स्टंप टू स्टंप, ज्यादा से ज्यादा अपने इंडियन प्लेयर एलपीडब्ल्यू और बोल्ड हुए, इसका मतलब वो प्रॉपर प्ले गेम प्लान के साथ सीख लो। सीधी गेंद गेम प्लान के आगे थी नहीं, उनको खेलना था बराबर वाले बॉल्स पर नहीं। एक अच्छा सा खासा जो रोहित शर्मा हर मैच में टेम्पो सेट करके जाते थे, उन्हें साथ देने के लिए ना शुभमन गिल रहता था, आगे से विराट कोहली भी थोड़ा परफॉर्मेंस करके जाते थे, पर वो आगे में जो मिडल ऑर्डर है हर मैच में कोहली खेलेगा क्या? पर भाई अभी तो खेलना चाहिए, अभी कहा भाई हर मैच में। मुझे एक बात बता, कोहली और रोहित को छोड़ दिया तो बाकी कब खेलेंगे? नहीं रियान पराग 2069 में श्रेयस अय्यर इज यंग प्लेयर, अभी तक उसको मतलब मेरे कद्दू का यंग, उसको किस परफॉर्मेंस पे उठा? आल्सो यंग प्लेयर केएल राहुल इज आल्सो यंग प्लेयर, अभी केएल राहुल को भाई भगा भगा के मारूंगा, उसका नाम मत निकाल मेरे सामने। अक्षर पटेल को तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है, तो उसके ऊपर कोई छिपना नहीं चाहिए। सौ बात की एक बात, मैं जो बात बोल रहा हूँ मार्क करके रख लो, ये टीम में से शिवम दुबे पहले हटाओ, पहले तुम रोहित हटाओ, फिर तुम कोहली हटाओ और तुम बुमराह हटा दो, और अक्षर पटेल को चलो ठीक है ले, ये चार प्लेयर अगर तुम टीम में से हटा दो फिर देखो भाई तुम्हारी टीम क्या है। वनडे में जिम्बाब्वे बोलो श्रीलंका की बी टीम को हराने की सालों तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम सालों 25 के चैंपियंस ट्रॉफी के सपने देख रहे हो। नहीं होगा भाई ऐसे नहीं होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान की पाटा पिचेस पे परफॉर्म देनी पड़ेगी, वहां पे थोड़ी ना थोड़ी तो स्पिन होंगे ही। लाहौर में अपने मैचेस ज्यादा है, गद्दाफी में स्टेडियम में ज्यादा है, जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है, तो अच्छे बैट्समैन अपने को होना, बाहर सभी टीम आएंगी अपना पावर हाउस लेके, और अगर अपने पावर हाउस का हेड अगर शिवम दुबे रहा तो बस। शिवम दुबे किसने उसको ले लिया पता नहीं वनडे की स्क्वाड में, उसके जगह क्लियर चांस रिजर्व करता था हमारा वो क्या नाम है छोटू का कौन अपना जी वो सिलेंडर रिंकू सिंह सिलेंडर अरे जी, हमें माफ कर दीजिए, वो अपना ओडीआई का प्लेयर जस्टिस को ले लेते तो 10 रन तो बना लेता। अबे पर खेलता ना वो ओडीआई, पिछली सेंचुरी है उसकी साउथ अफ्रीका की, सेंचुरी ओडीआई में छूटने नहीं दूंगा सालो, एक मेक के पीछे में पीछे। पहले सबसे बड़ी बात टीम सिलेक्शन गलत था, पूरे तीनों मैचेस में टीम सिलेक्शन गलत था, एक भी मैच में ऐसा लगा नहीं कि प्रॉपर वेल बैलेंस टीम है, कहीं बॉलर ज्यादा हो रहे कहीं ऑलराउंडर, एक मैच में तुम तीन तीन ऑलराउंडर खिला रहे हो, क्या फायदा तीन ऑलराउंडर का? अबे वो श्रीलंका तीन तीन ऑलराउंडर 20-22 साल के बच्चे तुम 28-30 वालों की टांगे लिटा रहे हैं स्टंप्स के सामने, और तुम एक सीधी गेंद को नहीं खेल सकते हो? अबे साले क्या अकाई कोहली को भेजू अभी, वाह वो भी अपने पापा का प्लास्टिक का बैट लगे डिफेंस कर देंगे, और तुम सालो सीधी गेंद पे। चलो मानते हैं भाई कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग बॉल अटैक होता भाई, मुतैया मुरलीधरन सही दजमल खेल रहा था, तुम साले वो वाइंड फंसे के सामने फंस रहे हो सीधी गेंद पे। अरे जैम्पा का नाम बदले भाई, स्टॉइनिस बहुत मारता है यार, क्या बताऊं तेरे को। तो बात वही है कि इंडिया का मतलब तीनों डिपार्टमेंट में गलत प्रिपरेशन, इवन उनकी जो टेक्निकली टीम सिलेक्शन था, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ स्पेशली ओडीआई के लिए, उनमें भी काफी ऐसे चेहरे थे जिनको परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं था, फॉर्म बेस्ड नहीं था,
रियान पराग को आखिरी मैच खेला एज ए डेब्यूटेंट, ये डेब्यूटेंट में उसने 3 विकेट लिए, पर क्या वो इस पोजीशन में जमता है जहां अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और रियान पराग चार ऑलराउंडर है। वहां बॉलर एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, सिराज को छोड़ के एक प्रॉपर बॉलर नहीं है वहां पे। खलील अहमद तो उसको पता है पहले इनिंग में क्या है, हम बोल ही नहीं सकते नो मोर कंसल्टेंस, पर सिराज की जगह कम से कम अर्शदीप सिंह भी होता तो वो थोड़ा ना थोड़ा कर पाता। हिट द डेक बॉलिंग वहां पे होती नहीं है, वहां पे थोड़ा एयर देना पड़ता है, वहां पे स्विंग करनी पड़ती है। थोड़ा प्रेमदास स्टेडियम वैसा ही है कोलंबो में, जहां विंड हमेशा कंटिन्यूस बहती रहती है सेकंड इनिंग में। तो खास करके तो भारत के बल्लेबाजी को बाहर ले गए वो दोनों। अरे वो तो पता है, पर आगे से प्रेशर जब कम होगा तब तो मुझे बताइए कितने बड़े नाम है ये आईपीएल में। कप्तान श्रेयस अय्यर, कप्तान केएल राहुल, इमर्जिंग प्लेयर रियान पराग, कप्तान ऋषभ, द फाइटर द सेवियर ऋषभ पंत, उन्हें हम कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। इनकी टांगे मतलब आप देखिए, अलोन वॉरियर, अलोन शिवम दुबे, शिवम दुबे, चेपॉक, जब साला वो चेप आरसीबी सीएसके का मैच था, मैच फंस गया था वो, उसके कितने 24 बॉल में 10 रन थे, वो चिन्ना स्वामी की 60 मीटर की बाउंड्री टपा नहीं पाया, जो जडेजा ने 7 छक्के मार दिए थे एक ही ओवर में हर्षल पटेल को, उसके सामने लोग बोलते हैं भाई ये अगला युवराज सिंह है, साले युवराज सिंह का नाम उसके सामने मत लगाओ, लेफ्टी लेफ्टी में वो अर्शदीप के भी बराबर नहीं है सालो। बात तो सही है, क्योंकि उसके पास फुट तो है पर उसका मूवमेंट नहीं है, तो फुटवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने आरसीबी में देख लिया था जब ये आरसीबी के लिए खेलता था, तभी इसका फुटवर्क पूरा एक्सपोज हो गया था। सीएसके में पता नहीं इसके थाला ने इसको कौन सा आशीर्वाद दिया कि ये मारने लग गया, पर ये एक नंबर का एक्सपोज प्लेयर है। सीधी बात निकालो, सीधी बात, नो मोर टॉक्स, ये सीरीज का एनालिसिस बनता नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे कुछ भी नहीं खेला है। फ्रॉम अ इंडियन आईसीटी फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये सीरीज अपने को एक प्रॉपर सबक तो दे सकती है कि नो मोर ओवर कॉन्फिडेंस इन चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अपने पास अभी एक भी मैच नहीं है 2024 का ओडीआई के लिए। जो परफॉर्मेंस है, जो टीम बनानी है, वो इंटरनल परफॉर्मेंस के हिसाब से ही टीम बनेगी। अभी इंटरनल परफॉर्मेंस आने वाले मैच में जैसे लोग खेलेंगे वैसे ही, तो नए चेहरे तो शायद बिल्डअप करने पड़ेंगे। जैसे टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल को ट्राई कर सकते हैं अपन, यशस्वी जायसवाल एक डिजर्विंग प्लेयर है, क्योंकि टेस्ट और टी20 बराबर खेला है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट और टी20 में जहां उसने पूरा वन साइडेड डोमिनेशन किया है, वो तेज भी खेलता है, वो स्लो भी खेलता है, वो टेस्ट भी खेलता है। रोहित और जायसवाल की ओपनिंग अभी भी मैं बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है। क्यों वनडे में नहीं ले रहे हो, गिल ने कौन सा तुम्हारे मुंह में दे के रख दिया है पता नहीं सालो, गिल का गोटा है, प्रिंस वाला गोटा है, मेरे कद्दू का प्रिंस, प्रिंस वाला कोटा है इसका प्रिंस भाई। ये विराट कोहली ने गलती कर दी भाई, वो गिल को अप्रिशिएट करने के लिए उसने स्टोरी डाल दी थी। गिल देखिए आप, वो वाला गिल देखिए जो 2022 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाला गिल देखिए, टेम्परामेंट, टेक्निक, और जो खास करके जो पिच पे 150 वाले पिच पे जो स्टार्क और हेजलवुड को खेला है प्रॉपर बैकफुट शॉट, वो वाला गिल, और अभी वाले गिल को देखिए पूरा चेहरे पे पूरा एरोगेंस, उसको पता चल गया कि भाई मेरे से बड़ा कोई खिलाड़ी है नहीं, और मेरा कोई रिप्लेसमेंट है स्टार, मेरा कोई रिप्लेसमेंट तो भाई ये झुंझुना मैंने उनको दे दिया है हाथ में, वो मुझे फेंकने वाले है नहीं। गिल 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 ने की इंडियन टीम की ओपनिंग किल, बस आगे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि एनालिसिस में कुछ रहता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं है। कुडोस टू श्रीलंकन टीम और जयसूर्य, क्या भाई उसने मतलब ऐसा उसने जो टीम को जो नीचे से उठाया है ऊपर, मतलब कौन गिनता था भाई, श्रीलंकन खुद उनके टीम को गिनते नहीं थे। यंग बच्चे आ रहे, वो वेंडर से कितना पुराना खिलाड़ी उसको वापस लेके आ रहे सालो, उसके सामने भी तुम भाई नई नई टांगे सालो, तुम मतलब ठीक है तुम मैच जीते नहीं सालो, कम से कम 40 ओवर तो खेलना था, वो भी है 40 ओवर खेलने की सालो 25-26 ओवर में तुम पूरा सिंपल वही है कि ये सीरीज पे ये मैचेस पे कोई एनालिसिस कुछ बनता भी नहीं, क्योंकि ना किसी की टेक्निक बता सकते ना किसी की बॉलिंग। इंडिया पूरी तरह से डोमिनेंटली सभी 11 के 11 प्लेयर खराब खेले, उसमें से उनको कोचेस, जो सपोर्ट स्टाफ, जो नया स्टाफ आया और जो मेन कोच है हेड कोच, उनकी भी कुछ प्लानिंग वगैरह दिखी नहीं है वहां पे। अभी वो उनके पास एक प्रॉपर टाइम है कि वो क्या प्लान करते हैं। चलो रिजल्ट के लिए तो गौतम गंभीर से होप कर सकते हैं, पर इंडिया का परफॉर्मेंस सिटी 2025 पे ही जज होगा, ना कि बायलैटरल सीरीज में। बायलैटरल सीरीज आर नॉट फॉर द होप, बट वी डिमांड आईसीसी ट्रॉफी। बस कम से कम रोहित शर्मा को एक 50 ओवर वाली और विराट कोहली को एक 50 ओवर वाली ट्रॉफी डिजर्व करते ही है।
फिर चाहे वो आगे उनका डिसीजन है वो 27 तो श्रेयस अय्यर भी करता है। अरे तो श्रेयस अय्यर को नहीं तोड़ते, अभी क्या है कि मैचेस भी नहीं है आने वाले, इसमें अपने को यही करना है कि देखो एक एक प्लेयर का एनालिसिस करना है कि उसने 24 में क्या खेला। देख ठीक है, श्रेयस अय्यर की कोई जगह नहीं बनती, उसको हका लो टीम से। रजत पाटीदार जिसने काफी अच्छी इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका में जो वनडे था, उसको रजत पाटीदार को लाओ। तुम वो खोया हुआ सितारा, तुम्हारा खोया हुआ हीरा इशू किशू को वापस ला सकते हो। सूर्या भी ओडीआई का हिस्सा हो सकता है, जैसे वर्ल्ड कप में खेला ना, वर्ल्ड कप में ओडीआई में था ना फाइनल की इनिंग। हां वही तो, इसलिए तो बोल रहा ठीक है। सूर्या को कम्प्लीटली T20 पे फोकस करने दीजिए। रजत पाटीदार, ईशान किशन की टेक्निक काफी अच्छी है, अगर हम कंपेयर करें फास्ट गेंदबाजों को भी अच्छे से खेलते हैं और स्पिनर को भी अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो भाई फास्ट बॉलिंग के सामने पूरा पहले एक्सपोज हो गए थे वर्ल्ड कप फाइनल में, देखिए पूरा वर्ल्ड कप उठा लीजिए। उसके बाद में आप IPL देखिए, श्रेयस अय्यर को लिटरली पूरे KKR के 11 प्लेयर ने कैरी किया है और गंभीर के फेवरेटिज्म के वजह से वो टीम में आया है, नहीं तो उसकी जगह नहीं बनती थी, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट। आने वाले वीडियोस में यही रहेगा टीम कॉम्बिनेशन फॉर 2025, एक एक प्लेयर पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी मैचेस तो नहीं है एनालिसिस करने पे, इसलिए वो एक एक टीम का मतलब प्लेयर का परफॉर्मेंस देख के उसके मैचेस डोमेस्टिक और इसका रणजी वगैरह के मैचेस देख के हम बताएंगे कि व्हाट कुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर CT25। तब तक के लिए स्टे ट्यून भाई लोग। जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं थोड़ा पास में आके बोलता हूँ। ये जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो करंट हालात है, इसमें आप देखिए, आप विराट कोहली को टीम से हटा दीजिए, आप रोहित शर्मा को टीम से हटा दीजिए, आप जसप्रीत बुमराह को टीम से हटा दीजिए, ये टीम ना कोई मेजर लीग का सेमीफाइनल खेलने की लायकी है इनकी, ना कोई ये क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होने वाले है, ये सिर्फ पाकिस्तान को हरा सकते हैं और ये ग्रुप स्टेज में से ही बाहर होने वाले है। मेरी बातें मार्क माई वर्ड्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, जब तक ये तीन प्लेयर है तब तक ही टीम की साख बची हुई है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी हम जो वर्ल्ड कप जीते उसके फाइनल में भी विराट पापा खेले, और हाँ हार्दिक पांड्या, अगर इन नामी हार्दिक पांड्या का भी छोड़ दो, उसका फिटनेस का मसला है, इन तीन खिलाड़ियों को तुम अगर टीम से निकाल दोगे तो ये टीम ग्रुप स्टेज भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। मेरी बातें मार्क माय वर्ड्स, मेरी बातें याद रखना। इसी तरह गाइज मिलेंगे आपसे अगले एनालिसिस में, आज का वीडियो लेके और ट्रिब्यूट है भाई, पूरा सल्यूट है भाई इंडियन हॉकी को जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, हम करते हैं क्रिकेट पे बात, और इसी तरह क्रिकेट पे बातें अगर आपको सुनना है तो जरूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी बातें हार्श लगी होंगी, अगर आपको लग रहा होगा कि हम देशद्रोही है, तो हम बिल्कुल भी देशद्रोही नहीं है, मुझे अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, इंडियन हॉकी टीम को मेरा पूरा सलूट है, और मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशद्रोही ये है देशद्रोही, ठीक है, टाटा।